हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके ही खूबसूरत से चैनल करे पढ़ाई में। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4। 8.4 में जो प्रूफ्स है जो आपको काफ़ी सता रहे हैं, हम उन प्रूफ्स के बारे में इजी मेथड से और ट्रिक से करेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो क्लास 10 का 8.4 ट्रिग्नोमेट्री का, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री 8.4 के सम्स करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 से हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं प्रूव दैट के सम्स जो 8.4 में स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से होते हैं, तो वहां से देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा द होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है और राइट हैंड साइड में दिया है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, कैसे अप्रोच करें? देखिए, रूल नंबर 1 हमेशा याद रखें कि जो भी आपके पास कोसेक हो या कॉट हो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। ये आपका ट्रिक नंबर 1 होगा, यानी कोसेक हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन। ठीक है, अगर आपको ये पता नहीं है तो मेक अ नोट ऑफ दिस, कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा क्या है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी ये वाला पार्ट, इसको मैं छू भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल तो, यानी राइट हैंड साइड का जो ये पार्ट है इसको फिलहाल मैं टच नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने वाले। कोसेक को हम 1 अपॉन साइन बोलते हैं। ठीक है, कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है और साइन भी कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए, बहुत खास बात, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। तो अब न्यूमरेटर को ऐड कर पाएंगे, तो न्यूमरेटर ऐड हो गया एज पर मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। ठीक है ना, इस तरह से हो गया। ओके, अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, नीचे साइन थीटा आ गया। हमको देखिए ऊपर डिनोमिनेटर में जो है 1 माइनस कॉस थीटा कुछ है और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, तो किस तरह से इसको डील करेंगे देखते हैं। अभी देखिए ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, तो इसको हम 1 प्लस कॉस थीटा लिखते हैं। नीचे है साइन थीटा। अभी देखिए इसको हम सेपरेट कर लेते हैं स्क्वायर को, यानी क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा और नीचे भी स्क्वायर आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है ना, 1 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर आ गया ऊपर, सॉरी 1 प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा। ये जो भी साइन है आपको सेम साइन यहाँ लेना है। ठीक है ना, जो भी साइन यहाँ पर है सेम साइन यहाँ लेना है। तो ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर और नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा। तो आगे क्या हो जाएगा, हम 1 माइनस कॉस थीटा को दो बार लिखेंगे। ओके, 1 माइनस कॉस थीटा को दो बार लिखेंगे, स्क्वायर है दो बार लिखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला आता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आता है? 1 में यहाँ पे नोट करके रखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। एक ये हमको यहाँ पे लगा हुआ है, एक ये रूल लगाया हमने यहाँ पर, दूसरा रूल लगाया कि कोसेक थीटा जो था वो है आपका 1 अपॉन साइन थीटा, ये रूल नंबर 2। और रूल नंबर 3 जो हमने लगा हुआ है ये है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तीन प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अभी तक लगा चुके हैं। अब क्या करेंगे, आगे देखते हैं कैसे करेंगे। ये दो बार आ गया, ये दो बार 1 माइनस कॉस थीटा क्यों आया यहाँ पे? स्क्वायर है ना, देखिए स्क्वायर है तो दो बार मैंने लिखा। ठीक है, ये जो साइन की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी उस पर ध्यान देना, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ माइनस लिया, यहाँ पर भी माइनस और वहाँ पर भी माइनस, तो 1 माइनस कॉस थीटा दो बार आएगा यहाँ पर, 1 माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। उसी तरह से यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया और आपका फाइनल आंसर जो है आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह से आपका पहला प्रूफ जो है हमने कर लिया यहाँ पर, जो कि क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि आपका राइट हैंड साइड था। इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया, तो पहला प्रूफ तो हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रूफ पे, इतना नोट कर लीजिए, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कॉस ए, ठीक है ना, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ओके, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए
इज इक्वल टू 2 सेकेंड, इस तरह से क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए डिनोमिनेटर में तो कुछ सेम लग नहीं रहा है, ठीक है, पर एक बात है, ये एग्जैक्टली इसका डुप्लीकेट है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है? कॉस से कॉस मल्टीप्लाई होगा तो आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या होता है, 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस साइन ए लिखेंगे, द होल स्क्वायर लिखेंगे, और नीचे जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा दोनों मल्टीप्लाई होगा, जो कि आ जाएगा 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में, और उसके साथ में आ जाएगा कॉस ए, उसके साथ में क्या आ जाएगा कॉस ए, इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, अब क्या है ना, ये जो पार्ट है उसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे ए प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मेट, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। यानी क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर ए इधर आ गया, ठीक है, और ये इसमें ए वन है और साइन ए बी है, यानी क्या ये ए वन है और ये साइन ए बी है, तो इस तरह से एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी 1 का स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, क्या होता है साइन ए ही होता है, ठीक है, प्लस साइन ए का स्क्वायर। देखिए साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए होता है, ना कि साइन ए स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रहे साइन स्क्वायर ए होता है, यानी साइन ए अगर साइन ए इंटू साइन ए अगर मैं करता हूँ तो वो मुझे देता है साइन स्क्वायर ए, इस तरह से, ठीक है, ओके। और डिनोमिनेटर में तो वही रहेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इस तरह से, ठीक है, ओके। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका होता है 1, तो इसको भी नोट कर ले हम लोग यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला। देख एक तो ये फार्मूला लगा है और ये दूसरा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, तो ये और ये मिला के आपको मिल जाएगा 1, पहले से एक 1 है यहाँ पर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये 2 साइन ए तो यहाँ पर है, ठीक है, इस तरह से आपके पास ये डिनोमिनेटर सेम एज इट इज 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इस तरह से आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 कॉमन आएगा, क्या आएगा 2 कॉमन आएगा, तो 2 प्लस 2 साइन ए आपका बन जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इस तरह से हो गया। 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे, यानी इस स्टेप के बाद इस इन दोनों में 2 है, तो 2 को कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचेगा, 2 इंटू 1 2 होता है, और यहाँ क्या बचेगा साइन ए बचेगा। कैसे आए ये देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हुआ 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 है, ठीक है, 2 साइन ए, तो 1 प्लस 1 तो 2 आ गया, ठीक है, ये 2 साइन ए मैंने कॉपी किया, बाकी का सेम है। यहाँ पे 2 अगर मैंने कॉमन लिया तो मुझे ब्रैकेट में क्या मिलेगा 1 प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में मेरे पास है 1 प्लस साइन ए और मेरे पास कॉस ए भी है, 1 प्लस साइन ए का पूरा कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर में मेरे को मिलता है 2 अपॉन कॉस ए, जिसको मैं 2 इंटू सेक ए भी लिख सकता हूँ, और वही मेरा राइट हैंड साइड है। तो एक और नोट करने वाली बात है कि 1 अपॉन कॉस ए जो कि होता है sec a, तो ये जो स्टार मार्क किया मैंने इसको नोट जरूर कीजिए, ये सारे फॉर्मूलाज हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। 2 अपॉन कॉस ए में 2 sec a आया कैसे, क्योंकि cos का रेसिप्रोकल होता है sec, तो इसीलिए आया 2 sec a, और 2 sec a ही आपका क्या है राइट हैंड साइड, इसी तरह से आपका हैंड्स प्रूफ यानी प्रूफ हो चुका है। ये सब खत्म होता है, फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले सम पे, सम नंबर 3 आपके टेक्सटबुक में दिया हुआ, इसको नोट कर लीजिए क्विकली, और सम है tan थीटा, ठीक है, पॉज करके tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, इस तरह से सम बन चुका है, ठीक है, और इसको ही आपको प्रूव करना है 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा, इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इस सब में हम लोग, क्या करेंगे ट्राई करेंगे, जैसे मैंने बोला था पहले क्वेश्चन में भी कि हम ट्राई करेंगे टैन को साइन अपॉन कॉस लेने का, यानी हम कौन सा टैन थीटा जो होता है इसको लिख लीजिए साइन अपॉन कॉस होता है, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट आपका जो होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दोनों फार्मूला जो है अच्छे से आप अपने बुक में एंट्री कर लीजिए, जो भी स्टार मार्क रहेगा वो सारे फार्मूलेज आपको
आपके बुक में एंट्री करने, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है ये। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, मैंने जैसे बताया यहाँ पर साइन थीटा आपका अपॉन कॉस थीटा आपने कर लिया, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आपने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर कॉट क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टैन आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस तरह से सम शुरू होता है। अब देखिए न्यूमरेटर में ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में हम इसको 1/1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। दिस इज़ अ स्टेप टू बी नोटेड, ठीक है, स्टेप टू बी नोटेड कि हम 1/1 लेके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, साइन इंटू 1 साइन थीटा होगा, 1 इंटू कॉस थीटा कॉस थीटा होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है, इस तरह से होगा आपका। ओके, इस तरह से होगा डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में कुछ नहीं होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा रहेगा, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या होगा, क्रॉस होगा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब नोट करने वाली बात है, नोट करने वाली बात क्या है, डिनोमिनेटर में, यहाँ पर डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लाने की कोशिश करूँगा। डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टू ब्रिंग, यानी लाने की कोशिश करूँगा। इस पॉइंट को जो है आप अच्छे से नोट कीजिए, क्योंकि क्या है, इसी पॉइंट के ऊपर आगे का सम डिपेंडेंट है। ठीक है, क्या करेंगे हम, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हम एक बेसिक चीज लगाएंगे मैथ का। अगर आपके पास ए माइनस बी है, अगर उसको आपको बी माइनस ए लिखना है, तो आप ऐसे ही नहीं लिख सकते, आपको एक साइन बाहर लगाना पड़ता है। अब इसको आप ओपन करके देखिए, ओपन करके देखिए, माइनस बी प्लस ए हो जाता है, क्या हो जाता है, और वो यही है। देखिए ये क्या है, प्लस ए माइनस बी। अब जैसे आपने इस माइनस को अंदर लेके गए, तो माइनस बी प्लस ए यानी यही हो गया, लेकिन आपका काम बन गया, आपने क्या कर दिया, उसको उल्टा कर दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो अब इसको अगर आप उल्टा कर दे तो इससे एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। लेकिन ऐसे हमको करके क्या होने वाला है, करके होगा कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, ओके कर लेते हैं फिर। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, और ये साइन थीटा ऊपर चलाएगा, ठीक है ना, ऊपर चलाएगा इन द सेंस। अच्छा ये कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं, ये कैसे आ जाएगा, ये कैसे ऊपर आता है इसको देखते हैं। ठीक है, डिवीजन साइन है, अगर मैं यहाँ पे डिवीजन साइन लगाता हूँ, समझ लीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस तरह से करता हूँ, तो जैसे ये डिवीजन हटेगा और यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। एक्सप्लेनेशन जो है इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं इसको, ये डिवीजन साइन दिख रहा है आपको, ये बड़ा सा लाइन, इसको मैंने इस तरह से लिखा, लेकिन जैसे ही मैं इसको उल्टा करता हूँ यानी मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूँ, तो मेरा बन जाता है, इसको जैसे ही मैं मल्टीप्लीकेशन लिख लेता हूँ, मल्टीप्लीकेशन लिख लेता हूँ, तो मेरा साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मेरा आ जाएगा नीचे, इस तरह से कुछ होगा। हाँ है ना, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, ये तो एक्चुअली स्टेप में दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर आप नोट ज़रूर कर लीजिए इसको, क्या मैंने बताया इधर कॉन्सेप्ट, कि डिवीजन रहता है और मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, टोटली उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो इसको नोट करके रखिए, क्योंकि इसी को यूज़ करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर, ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ओके, कॉस थीटा नीचे रहेगा ऑब्वियसली, और साथ में आपका रहेगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इम्पोर्टेंट इतना पार्ट हो गया। यहाँ पर ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से, इस तरह बन जाएगा, और यहाँ पर ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू इंटू क्या रहेगा, कॉस थीटा इंटू ये साइन थीटा। ये साइन थीटा कहाँ से मिला, ये वाला है, ठीक है, इस तरह से आपका बन गया। ये कैसे आया, पहले आप इसको लिखिए, फिर उसको डिवाइड कीजिए, फिर उसको उल्टा कर दीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा स्टेप। ठीक है, ये स्टेप होने के बाद मैं जो बोल रहा था कि इसको हमको इस तरह से कुछ करना है, यानी हमको जो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को घुमा के साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाना है। तो यानी क्या बन जाएगा देखते हैं, ये कॉस थीटा है, इसको तो कोई चेंजेस नहीं करना है आपको,
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन इसका जो है अब क्या करोगे, पूरा घुमा दोगे इसको, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ गया और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू आपका आ जाएगा साइन थीटा, इस तरह से। ठीक है, सुंदर सा है ये वाला साइन आपका कैसे आया, क्योंकि हमने कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को घुमा दिया तो माइनस बाहर आया था जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये प्लस जो है माइनस बन चुका है। अभी कैसे बनाइए, पहले था आपके पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, वो घूम के साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जब बना तो बाहर एक माइनस साइन आ गया आपको, तो वो वहां पर लिखा है। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आप कॉमन ले सकते हो, क्या ले सकते हो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसीलिए तो हमने किया था इसको, इसको बाहर ले लिया आपने। ओके, अंदर बच जाता है आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, इस तरह से आपका सम आगे बढ़ेगा भाई। ठीक है, अब हम इसको आगे कैसे लेके जाएंगे, मैं क्या करने वाला हूँ अभी, ये क्वेश्चन तो आपने कॉपी कर ही लिया होगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये जो सम है यहाँ से कंटिन्यू करूँगा, ठीक है ना। ओके, क्विकली नोट करिए यहाँ तक, फिर हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, पूरा इरेज करने वाला हूँ, नोट कर लिया। ओके, तो हम क्या करेंगे इरेज कर देंगे इसको, ठीक है यहाँ पर, और देखते हैं किस तरह से सम को फाइनल करेंगे हम लोग। ओके, यहाँ पर क्या होगा, ये तो वन ये आ गया, इसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे और ये इससे, तो किस तरह से हो जाएगा, वन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो बाहर है, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस तरह से हो गया। अब एक और फार्मूला जुड़ने वाला है आपका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है, ठीक है यहाँ नोट कर लेते हैं उसको, इंपॉर्टेंट फार्मूला है यहाँ पर, फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, जो कि होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है आपका। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है साइन थीटा, बी क्या है कॉस थीटा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जब हम यूज करते हैं तो आपको मिलेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी ए माइनस बी इंटू साइन स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब ए बी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि बी स्क्वायर, इस तरह से आपका बनता है फॉर्मूला एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे रहेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पे ऑफ कोर्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो कि बाहर है ऑलरेडी। ठीक है, ये देखिए ये कंप्लीटली से कट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, यहाँ पे फिर से नोट कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका वन, यानी कि ये और ये मिलके बन जाएगा आपका वन। ठीक है ना, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो है ही यहाँ पर, और डिनोमिनेटर में आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा है। देखिए इसको अभी आप कैसे स्प्लिट करोगे वो इंपॉर्टेंट है, आप क्या करोगे वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा करोगे पहले तो, और नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस तरह से होगा, ये कट होगा तो वन बचेगा, जीरो नहीं बचेगा वन बचेगा, और ये जो पार्ट है कैसे किया मैंने, ये वन को मैंने इससे डिवाइड किया पूरा, और इसको भी मैंने इससे डिवाइड किया, ये कट करने के बाद वन आएगा पर ये तो रहेगा, ये आपका वन अपॉन साइन हो जाता है कोसेक थीटा और वन अपॉन कॉस बन जाता है सेक थीटा प्लस वन, इस तरह से आपका मिल जाता है आपको आर एच एस एनहेंसमेंट। याद रखिए वन अपॉन साइन क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, ये पिछले समय भी बताया था, और वन अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो ये सारे फॉर्मूलेज जो है नोट करके रखिए, प्रूव हो गया इस तरह से। हमने काफ़ी कुछ यूज़ किया यहाँ पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यूज़ किया, उसके बाद हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी यूज़ किया, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा भी यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले सम पे। चलिए फिर बढ़ते हैं फोर्थ सम पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है फोर्थ सम में, वन प्लस सेक ए
अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना, प्रूव दैट का समय। ठीक है, कैसे करेंगे? जैसे मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट रूल है कि सेके कोसेके टैन ए कॉटे जो भी है, इसको साइन और कॉस में लाने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर आपके पास है सेक ए, जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है ना, ये यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सेकेंड स्टेप, जो सिर्फ और सिर्फ मैं ले रहा हूँ एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 अपॉन कॉस ए यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, इस तरह से। अब इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और यहाँ आ जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस ए, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपका बनता है। इसके बाद ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको हम कैंसिल कर सकते हैं किस तरह से। देखिए, ये 1 प्लस कॉस ए लिखे या कॉस ए प्लस 1, माइनस साइन होने से तो उल्टा करना मुश्किल होगा, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि ए प्लस बी और बी प्लस ए तो एक ही बात होती है। यहाँ पर डिवीजन बाय 1 अपॉन कॉस ए, यानी कि जो पिछले समय बताया था मैंने, 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन 1, कैंसिल, ठीक है ना, ओके, इस तरह से। तो आपको मिलता है यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए, क्या मिलता है, 1 प्लस कॉस ए। अभी देखिए, आपको ये चाहिए यहाँ पर, तो डिनोमिनेटर में आप देख पा रहे हैं कि 1 माइनस कॉस ए चाहिए, तो इसमें क्या कीजिए, 1 माइनस कॉस ए आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ऐसे तो कर सकते हैं मैथ में, एक ही चीज़ को दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, और आपको मिल जाता है 1 माइनस कॉस ए, जो कि आपका राइट हैंड साइड है। इस तरह से आपने प्रूव कर दिया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली बात है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आपका होता है साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको इसमें यूज करना है। इस तरह से ये सम खत्म होता है। चलिए फिर नोट कर लीजिए, ओके, अगले सम पे बढ़ते हैं, क्विकली नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले सम पे, फिफ्थ सम, काफी ट्रिकी सम है, देख लेते कैसे करना है इसको। क्वेश्चन है, कॉस है माइनस साइन है प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस है प्लस साइन है, कॉस है प्लस साइन है माइनस 1। और क्या प्रूव करना है आपको, प्रूव करना है कि ये कोसेक ए प्लस कॉट है, क्या प्रूव करना है, कोसेक ए प्लस कॉट, इस तरह से दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए कैसे अप्रोच करेंगे देखते हैं इसको। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, आप क्या कीजिए, इसमें की स्टेप है, डिवाइड बाय साइन ए, ये की स्टेप है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सबको साइन से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉट ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1, और ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन, क्या होता है, ठीक है, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, इसलिए हमने कॉट लिखा, और 1 अपॉन साइन आपका होता है कोसेक, क्या होता है, कोसेक ए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोसेक ए। नोट करने वाली बात यह है कि ऐसा करने से क्वेश्चन में जो कोसेक और कॉट है, हम सम को उस तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफ़ी अलग सम है, जबकि मैं सारे सम से बोलता था कि सबको साइन और कॉस में करें, ये एक थोड़ा सा अलग सम है जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन दिया है हम उसकी तरह से करेंगे, थोड़ा सा काफ़ी मिसलिनियस टाइप का क्वेश्चन है, ओके, आप इसको नोट करके रखिए, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ सम है। इसको आप कॉस से फिर से कॉस, अगर इसको आप साइन से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे कॉट ए आ जाएगा, यहाँ पे फिर से 1 आ जाएगा, 1 कैसे आया, साइन ही अपॉन साइन ही करेंगे, ऑब्वियसली 1 आएगा, ठीक है, और माइनस आ जाएगा आपका कोसेक ए, इस तरह से आपका सम शुरू होता है। अब यहाँ पर भी एक की स्टेप है, यहाँ पर आपको क्या की स्टेप है कि ये जो 1 है इसको आप लिखोगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये वाला बात जो है आपको यहाँ पर आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में
जो अपर मार्जिन है उसके ऊपर नोट करके रखना है कि ये वाला स्टेप आपको करना है, क्योंकि आपको अगर याद नहीं आया कि 1 को कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर लिखना है, तो सम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, काफ़ी लंबे लंबे स्टेप्स हो जाएंगे। कई बुक्स में दिया हुआ है, काफ़ी लंबे स्टेप्स दिए हैं, मैं काफ़ी ईजी मेथड आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको ज़्यादा बड़े स्टेप नहीं करने पड़ेंगे, पर ये की स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा। ट्री है भाई, हम कोसेक के और कॉटे में चल रहे हैं, तो 1 तो हमको पता ही है, 1 क्या होता है, 1 का 1 हमको पता होना चाहिए, कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर होता है 1, हम इसी का फायदा उठाएंगे, ठीक है, नीचे भी करेंगे वही सेम चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर जाए कॉट ए माइनस ब्रैकेट में यूज़ करेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, ओके, प्लस कोसेक है इस तरह से, और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आप चाहे तो आप ना यूज़ करें तो भी चलेगा, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, डिनोमिनेटर में वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना, डिनोमिनेटर को वैसे ही छोड़ देते हैं, देखते हैं ज़रूरत पड़ा तो हम करेंगे, अदरवाइज ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब इसको ओपन करके देखते हैं क्या मिलता है आपको, इसको ओपन करके देखें न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, ठीक है, कॉट ए ओपन होगा, ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर होगा, ऑब्वियसली माइनस अंदर जाएगा, तो देखिए किस तरह से ये माइनस अंदर जाएगा, अंदर ब्रैकेट के, तो माइनस कोसेक स्क्वायर होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस कोसेक ए, क्या आ जाएगा, प्लस कोसेक ए इस तरह से। डिनोमिनेटर को मैंने ऐसे ही छोड़ रखा है, कोई चेंजेस नहीं किया है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर डिनोमिनेटर किसी तरह से अगर मैं कैंसिल कर सका तो बहुत सही रहेगा, इसलिए मैंने छोड़ रखा है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे भी कॉट है, यहाँ पर भी कॉट है, यहाँ कोसेक है, यहाँ कोसेक है, तो दोनों को साथ में करके देखते हैं कुछ कॉमन निकलता है क्या, ठीक है, या तो फिर ऐसा कर सकते हैं हम लोग, हाँ वो एक कर सकते हैं, कॉट अगर कॉमन ले तो वो, अगर नहीं करना है तो दूसरा एक मेथड क्या हो सकता है, अगर आपको देखिए ये जो है अगर इस तरह से कुछ चाहिए, यानी कॉट ए प्लस 1 और कोसेक है, देखते कुछ कॉमन लेके अगर होता है तो, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो है हम वो लाने की कोशिश करेंगे, या तो एक और ट्रिक है, एक क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग दिस ब्रैकेट, एक और इजी मेथड हम देखते हैं इसको करने की कोशिश करेंगे, इससे भी जो एक ही स्टेप में अगर होता है, यहाँ पर हम कर सकते हैं एक और चीज़ कि इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखें इसको, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, और कोसेक ए प्लस कॉट ए, इस तरह से हमने लिखा, ठीक है, और यहाँ पे आ गया कोसेक ए, ठीक है, इस तरह से हमने किया। अब देखते हैं इसको अगर हमने देखा तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ है कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो दोनों के पास कोसेक ए प्लस कॉट ए, हाँ है ना, इसको एक काम करते साथ में ले लें ताकि हमको सिमिलैरिटी दिखाई दे, तो क्या करेंगे, ये कोसेक ए प्लस कॉट ए साथ में ले लेते हैं, ठीक है, ओके, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पर वो माइनस साइन जो है रहेगा इसके सामने इस तरह से। तो हमने क्या किया, 1 को हमने कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर लिखा जो कि इधर है, उसके बाद हम देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हमने यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी लिख दिया, और ये जो कोसेक ए प्लस कॉट है उसको भी यहाँ लिख दिया, उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं इस तरह से। अब नोट करने वाली बात यह है कि दोनों में आप देख सकते हो कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन है, देखिए ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है दोनों के पास है, और बीच में माइनस साइन है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। डिनोमिनेटर में तो हमारे पास है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक है, ये तो कोई चेंजेस किया ही नहीं हमने, हमने क्या किया 1 को कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिखा, उसको ही हमने ए प्लस बी माइनस बी फॉर्मेट में लिखा, जो हमारे पास पहले से था यानी कॉट ए प्लस कोसेक ए उसको मैंने एक साथ कर दिया ताकि कुछ सिमिलैरिटी देख के आ रहा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ कोसेक ए प्लस कॉट ए अगर कॉमन हो जाता है तो ये जीरो नहीं हो जाएगा, कोई भी चीज़ से अगर कॉमन निकालते हैं हम, जैसे इसमें से अगर कॉमन निकाले तो ये बच जाता है, अगर इसमें से मैंने यही चीज़ को अगर कॉमन ले लिया, यानी क्या, यहाँ पर कुछ नहीं होने से यहाँ पे इंटू 1 होता है, ठीक है, इंटू 1 होता है, यानी जैसे ही मैंने इसको कॉमन लिया
तो मेरा वन तो बचेगा, कुछ बच्चे यहाँ भूल जाते इसको वन को, ठीक है, वन इंपॉर्टेंट है। यानी जब मैं इसमें से कॉमन निकला तो ये बचा, और इसमें से ये कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, वन बचेगा, ठीक है ना, वन बचेगा, और साथ में बचेगा वन माइनस ये जो भी है पूरा आएगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए, इस तरह से। और डिनोमिनेटर में तो कोई चेंजेस ही नहीं है, कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, इस तरह से। अब देखते हैं कुछ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, देख लेते हैं। अगर मैंने ये माइनस को अंदर लेके गया तो वन माइनस कोसेक ए प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, और दूसरा ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे वन माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, डिनोमिनेटर में है कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। देखिए ये और ये दिखने में थोड़ा अलग लग रहा है पर है एग्जैक्टली सेम। कैसे, देखिए यहाँ पर वन है, यहाँ पर भी वन है, और दोनों का साइन सेम है, ओके। यहाँ पे कोसेक है, यहाँ पर भी कोसेक है, दोनों का साइन सेम है। यहाँ पर कॉट है, वहाँ पर भी कॉट है, दोनों का साइन सेम है। और ये पूरा एक सिस्टम है पूरा, ठीक है ना, पूरा एक एक्सप्रेशन है। तो ये और ये एग्जैक्टली सेम होने के कारण हम इसको काट सकते हैं। तो क्या बचेगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। और इसी के साथ हमने मुश्किल से चार या पांच स्टेप में इसको ख़त्म कर दिया, जबकि ये काफ़ी लंबा दिया है कुछ बुक्स में, ठीक है, नोट कर लीजिए, आई होप आपको समझ में आए सम। और बढ़ते हैं अगले सम पर, चलिए बढ़ते हैं सिक्स सम पे, ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। सिक्स सम स्क्वायर अंडर रूट है रूट ओवर वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए दिया हुआ है, दिया हुआ है इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। अब कैसे करेंगे, देखिए एलएचएस ले रहा हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड। जब भी आपको ऐसा अंडर रूट में कुछ मिलता है तो ट्राई कीजिए इसको रैशनलाइज करने का। रैशनलाइज मतलब क्या हुआ कि जो डिनोमिनेटर है उसको देखिए ध्यान से, वन माइनस साइन है, उसी के जैसे कुछ ऐसा कुछ चीज जिसमें सिर्फ साइन का डिफरेंस हो, यानी सेम टू सेम रहेगा, बस और बस आपको साइन का डिफरेंस रहेगा, यानी वन माइनस साइन है जो है एग्जैक्टली सेम रहेगा, बस वन प्लस साइन है आपको यूज़ करना है। न्यूमरेटर को देखना नहीं है आपको, ठीक है, न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे फॉर्चुनेटली न्यूमरेटर में भी एग्जैक्टली सेम कुछ है, पर ज़रूरी नहीं कि सेम होगा। यहाँ पे वन माइनस साइन है उसका एग्जैक्टली आपको यहाँ पे रखना है, सिर्फ उसका साइन चेंज करना है। इसमें आ जाएगा वन प्लस साइन है इंटू वन प्लस साइन है होता है वन प्लस साइन ए द होल स्क्वायर, क्या आता है, वन प्लस साइन ए द होल स्क्वायर, इस तरह से आता है। और वन माइनस साइन ए वन प्लस साइन ए यानी क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ए तो वन है इधर, बी साइन है, ए माइनस बी ए प्लस बी या ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, तो मैं वन लिख रहा हूँ। माइनस साइन ए इंटू साइन ए, मतलब साइन ए का स्क्वायर लिखना है ना, साइन ए का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है, ठीक है, साइन स्क्वायर होता है, साइन ए स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है ना, साइन स्क्वायर ही होता है, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर है, ठीक है, इस तरह से। अगले स्टेप में आ जाते हैं, वन प्लस साइन ए जो है उसको हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं द होल स्क्वायर में, अभी तक तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हाँ वन माइनस साइन ए साइन स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला हमको जानना है। वन माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर, नोट करिए इसको, जो भी स्टार मार्किंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला हमको इस्तेमाल करना है बार बार, आप देख रहे होंगे अभी तक हम ऑलमोस्ट सिक्स सम पे पहुंच चुके हैं और ये सारे फॉर्मूले हम बार बार यूज कर रहे हैं। वन माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर है, तो इस तरह से हमने इधर यूज कर दिया कॉस स्क्वायर। फिर ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, की स्टेप है, यहाँ पे देखिए दोनों भी स्क्वायर में है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों को एक ही स्क्वायर के अंडर में ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं कि क्योंकि दोनों भी स्क्वायर है तो इस तरह से लिख रहा हूँ कि भाई ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो यानी आपके पास समझिए ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हो ए अपॉन बी द होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, इस तरह से मैंने लिखा है। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया,
ठीक है ना, तो आपका बच जाएगा वन प्लस साइन ए अपॉन, क्या बचेगा, अपॉन कॉस है, इस तरह से आपको आ जाएगा, ठीक है ना, वन प्लस साइन है अपॉन कॉस है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कैसे, वन अपॉन कॉस है, यानी क्या, ये वन को मैंने कॉस से डिवाइड कर लिया और साथ में जो साइन है उसको भी मैंने कॉस से डिवाइड कर लिया, इस तरह से, ठीक है। तो वन अपॉन कॉस क्या आता है, आता है सेक, क्या आ जाएगा, सेक, और साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा, टैन, क्या आ जाएगा, टैन। तो आप देख सकते हो कि सेक ए प्लस टैन ए जो है वही एग्जैक्टली आपका आर एच एस है, इस तरह से हमने इसको प्रूव किया है। यहाँ पे दो तीन नोट किया आपने कि साइन ए अपॉन कॉस ए को हमने टैन ले लिखा है, साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर से पिछला फॉर्मूला जो पहले भी यूज कर चुके हैं, ये फॉर्मूला का यूज किया है, वन अपॉन कॉस ए को हमने यानी रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए को हमने सेक ए लिखा हुआ है, ये भी हमने फिर से यूज किया है। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी हमने लगाई है कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ स्क्वायर में है और रूट भी है उसका, तो आपको वो स्क्वायर और रूट दोनों भी हट जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपने यहाँ पे यूज़ किया है, ये कॉन्सेप्ट तो यूज़ किया ही किया है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट लगते हुए सम खत्म होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले सम पे। तो चलिए देखते हैं सेवन सम कैसे करना है, सेवन क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 sin³θ अपॉन 2 cos³θ माइनस कॉस थीटा, और ये प्रूव करना है आपको टेन थीटा करके, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे साइन और कॉस में है, तो इसको चेंजेस करने की तो अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, पर इसमें की स्टेप है की स्टेप ये है कि डिवाइड बाय साइन थीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इस तरह से करेंगे हम स्टार्ट, ठीक है। तो यानी इसको साइन से डिवाइड कर देंगे, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे, 2 sin³θ अपॉन साइन थीटा, ओ सॉरी यहाँ पे तो कॉस है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड साइन थीटा न्यूमरेटर में करेंगे और कॉस थीटा को हम करेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो हमको मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, है ना, ऐसा तो नहीं कर सकते खाली डिवाइड कर दिए। तो हमने क्या किया इसको पूरा साइन थीटा से डिवाइड किया और यहाँ मल्टीप्लाई भी कर लिया, यानी डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग लिख देते, क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग, की स्टेप है डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग साइन थीटा न्यूमरेटर एंड सेम थिंग डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग कॉस थीटा इन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हमने क्या किया, साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई किया, नीचे भी किया, अभी नीचे तो बढ़ गया, नीचे जो साइन थीटा था वो क्या हुआ, क्या हुआ था पहले, पहले देखिए पहले कैसा होता था, ये मल्टीप्लाई किया और उस स्टेप में आपको बता देता हूँ, और डिवाइड भी हमने किया, ठीक है ना, इस तरह से किया, और डिनोमिनेटर भी वही करेंगे, 2 cos³θ माइनस कॉस थीटा था, तो हम क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से हम चलेंगे, ठीक है ना, जो हमने लिखा है यहाँ पर करके बताया, ठीक है, ओके। अब इस साइन थीटा को इससे भी डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, और ये यहीं रहेगा, ओके, ये यहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका, इससे जब डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, 2 sin³θ अपॉन साइन थीटा, इस तरह से आएगा, ठीक है, यहाँ पे इनटू साइन थीटा, यहाँ पे क्या आएगा, 2 cos³θ अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा भी आएगा, ठीक है ना, इस तरह से। फिर आगे बढ़ते हैं देखिए साइन साइन कैंसिल हो गया तो वन बचेगा, यहाँ पे एक साइन कैंसिल होगा, एक स्क्वायर तो रहेगा, तो 1 - 2 sin²θ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे तो आपका साइन थीटा ऑलरेडी है ही जो साइड में रखे हैं। यहाँ पर क्या होगा, देखिए कॉस कॉस कैंसिल होगा तो आ जाएगा आपका 2 cos² थीटा, और यहाँ पे कॉस कॉस कैंसिल हो तो 0 नहीं होगा, 1 होगा, और यहाँ पे आपका डिवाइड बाय कॉस थीटा तो है ही, ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको साइड में रख देंगे। अब इस स्टेप को ध्यान से देखिए, यहाँ पर मुझे
साइन स्क्वायर कैसे आया, ये साइन साइन क्यूब में से अगर एक साइन गया तो स्क्वायर बचेगा, इसमें भी क्यूब में से अगर एक कॉस गया तो कॉस स्क्वायर बचेगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको सेम करने के लिए साइन को कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको यूज करूंगा और देखता हूँ कि दोनों सेम तो नहीं गई, देख लेते हैं कहीं दोनों सेम तो नहीं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस तरह से यूज़ किया मैंने तो नीचे आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा टेन थीटा। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2 ओके माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन थीटा। ठीक है ना, इंटू टेन थीटा। अब देखिए 1 माइनस 2 तो माइनस वन होता है, माइनस वन माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर, हाँ और एक बात, यहाँ पे ये प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस अंदर गया। कैसे हुआ ये देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। 1 तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, माइनस 2 यानी माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 होता है, माइनस 2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर इस तरह से, और यहाँ पर टेन थीटा। लास्ट स्टेप हम लिखेंगे यहाँ पर, मैं क्या करता हूँ ये पार्ट को इरेज कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, एक स्टेप बचा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा अकोमोडेट करना पड़ेगा उसको, तो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है डिवाइड, ये वाला ध्यान से लिख के अपने बुक में रखिए क्योंकि यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट था, करना क्या है, स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, अच्छा इतना जगह तो मुझे लगेगा, यहाँ पर आएगा देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर भी आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे आपका टेन थीटा था, तो कैंसिल होके 1 बजेगा, 1 × 10 थीटा क्या आ जाएगा टेन थीटा, जो कि आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है, इस तरह से आपका सम खत्म होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस साइन स्क्वायर थीटा को आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है। ठीक है, और एक ऑब्वियसली ये जो डिवाइड और मल्टीप्लाई था, इस पर ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से, ओके पॉज करके आगे बढ़ते हैं अगले सम। बढ़ते 8th सम पे, देखते 8th सम में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 8th सम क्या है, साइन ए प्लस कोसेक है, क्या दिया है साइन ए प्लस कोसेक ए द होल स्क्वायर प्लस कॉस प्लस सेक कॉस ए प्लस सेक ए द होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर भी मैं एल एच एस लेके चलने वाला हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और देखूंगा मैं ट्राई करूंगा कि आर एच एस में पहुंच जाऊँ। ठीक है, यहाँ पर कोसेक है, जैसे मैंने बोला था कोसेक को साइन में कन्वर्ट कीजिए, सेक को कॉस में कन्वर्ट कीजिए, नोट कर लेते हैं। कोसेक होता है आपका 1 अपॉन साइन, और सेक होता है 1 अपॉन कॉस, उसको यूज करेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए द होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए द होल स्क्वायर, इस तरह से हम आगे बढ़ने वाले। ठीक है, आगे कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए प्लस बी द होल स्क्वायर कर सकते हैं, एक तो वो ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है ना, ऑप्शन वो बेटर रहेगा, या तो एक और बात है, हम लोग ये नहीं करके, ये कर सकते थे हम लोग पर ये नहीं करके, अगर हमने इसको कोसेक ही रहने दिया और एक्सपेंड कर लिया, और इसको सेक रहने दिया और एक्सपेंड कर लिया, तो शायद हमारा कुछ स्टेप्स कम हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो वहाँ पर टैन है और कॉट है, और हमको एक बहुत बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला पता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है। ठीक है, कुछ फार्मूलेज हैं जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, कहाँ लिखे क्या लिखते हैं, एक है सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, और एक है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी को यूज़ करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोसेक और सेक का स्क्वायर होगा जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको भी यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, ओपन करके देखते हैं।
साइन स्क्वायर ए आएगा ए स्क्वायर, टू ए बी यानी क्या क्या, टू साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस बी स्क्वायर यानी क्या, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। इस तरह से पूरा एक्सपेंड हो गया, इसको एक्सपेंड करेंगे कॉस ए, मतलब ए का स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए इंटू सेक ए जो कि होता है टू ए बी, और लास्ट में आ जाएगा बी स्क्वायर जो कि होता है सेक स्क्वायर। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें ये दोनों आपके जो एक नजर इस पे पड़ते ही आप देखो साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो हम यहां पर वो लिखने की कोशिश करेंगे और देखते कुछ कैंसिलेशन होता है क्या। और एक नजर आपकी जब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर पे पड़ती है तब आप उनको वन बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन बन गया, यानी ये जा चुका है, ये जा चुका है, यहाँ पर ये टू साइन ए हो गया और कोसेक होता है वन अपॉन साइन, इस ये हो गया ठीक है, और ये यहाँ पर टू कॉस ए होता है, टू कॉस ए और साथ में हो जाता है सेक का भी कॉस ए, तो मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया, इसको भी ले लिया, अब बचा सिर्फ कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर जिसको मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको छूते नहीं अभी फिलहाल, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। साइन से साइन मर गया, कैंसिल हो गया, कॉस कॉस गया, तो ये वन प्लस टू हो गया, टू इंटू वन तो टू ही होता है, ये जीरो नहीं होगा, ये वन होगा ठीक है, फिर टू इंटू वन फिर से टू होगा, तो यहाँ तक तो पहुँच गए। कोसेक स्क्वायर होता है आपका, अगर इस फॉर्मूला को भी देखें वन को उत्तरफ लेके जाए तो कोसेक स्क्वायर आपका हो जाता है वन प्लस कॉट स्क्वायर है जो कि इधर से डिराइव हुआ है, और सेक स्क्वायर हो जाता है वन प्लस टेन स्क्वायर। इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे फाइनल आंसर में टैन और कॉट स्क्वायर है ना कि कोसेक और सेक, तो हम कोसेक को लिख देंगे वन प्लस कॉट स्क्वायर है, और टैन को लिख देंगे सेक को लिख देंगे सेक स्क्वायर को लिख देंगे वन प्लस टेन स्क्वायर है। अब देखते हैं नंबर कितना है, वन प्लस टू थ्री होगा, थ्री प्लस टू फाइव होगा, फाइव प्लस वन सिक्स होगा, सिक्स प्लस वन सेवन होगा, तो सेवन तो आ गया, और ये टेन स्क्वायर है यहाँ लिख दिया, और ये आपका कॉट स्क्वायर है। इस तरह से आपका हो गया ये इक्वल टू आर एच एस। काफ़ी छोटा प्रूफ है ये, ध्यान रखने वाली बात है कि हमने ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया इसमें, कुछ फॉर्मूले इस्तेमाल किए और इस तरह से ये प्रूफ खत्म हो जाता है। नोट कीजिए पॉज करके, ओके, और फिर बढ़ेंगे हम अगले सम पे, ओके। चलिए देखते हैं नाइन सम कैसे करेंगे इसको, प्रूव दैट सम है। क्वेश्चन में दिया है कोसेक कोसेक ए माइनस साइन है, ओके, और एक आपको मिला है यहाँ पर कोसेक सेक ए माइनस कोसेक, क्या मिला है सेक ए माइनस कोसेक, इस तरह से क्वेश्चन है, और प्रूव करना है आपको वन अपॉन टैन ए प्लस कॉट ए, इस तरह से क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब ट्राई करेंगे हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग ट्राई करेंगे कि साइन कॉस में लेके आए ताकि आसान हो। कोसेक हो जाता है वन अपॉन साइन, कोसेक क्या होता है वन अपॉन साइन, तो मैंने इसको लिख दिया वन अपॉन साइन, यहाँ पे साइन ही रहेगा, और सेक आ जाता है वन अपॉन कॉस, ठीक है, इस तरह से कर लिया। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्रॉस करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस करेंगे, तो वन इंटू वन वन हो जाएगा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपको साइन इंटू वन साइन है, ठीक है ना, इस तरह से हो गया। इधर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ही चल रहा है, वन इंटू वन वन हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा कॉस ए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, देखिए वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, नोट करें क्या यहाँ पर वन माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, और वन माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला पहले भी लिख चुका हूँ मैं, ठीक है। जितने भी फॉर्मूला मैं स्टार मार्क करके दे रहा हूँ उनको तीन से चार बार लिखिए आप, ठीक है, ताकि आपके ध्यान में रहे। वन माइनस साइन स्क्वायर हो जाता है आपका कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा साइन है, ओके, और वन माइनस कॉस स्क्वायर ए आपका आ जाता है साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे आपका कॉस है।
देखते हैं क्या क्या किससे कैंसिल होता है। देखिए एक साइन इससे कैंसिल होके एक चला जाएगा, एक कॉस इससे कैंसिल होके कॉस से चला जाएगा, तो आपके हाथ में आ जाता है कॉस ए इंटू साइन ए। इस तरह से आपको मिलता है कॉस ए इंटू साइन ए। बट आप देखते हो यहाँ पर आंसर तो कुछ और है, यहाँ पे आप रोक दिए इसको, ये आपका एल एच एस था। तो पहली बार जो है हम लोग ट्राई करेंगे कि आर एच एस को सॉल्व करके एग्जैक्टली यही वैल्यू हम लेके आ जाएंगे जो ये वैल्यू हमको आई है। तो आर एच एस में आपके पास है वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। तो टैन और कॉट तो आपको पता है क्या है, टैन और क्या कॉट क्या होता है, टैन होता है आपका साइन ए अपॉन कॉस ए, काफ़ी सम्स में लिखा है मैंने, और ये होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है ना। और इसमें होगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैसे होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपको मिल जाएगा साइन इंटू साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, करेक्ट। और कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए, ओके। और डिनोमिनेटर में रह जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है वन, तो ये वन हो जाएगा, यानी आपको इवेंचुअली वन अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए मिलता है, जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए वन अपॉन रहेगा तो ये सीधा न्यूमरेटर पे आ जाता है, तो ये आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। कैसे हुआ ये, यानी कि आपके पास अगर वन अपॉन ए है तो उसको आप लिख सकते हैं वन डिवाइड बाय वन अपॉन ए, ये डिवीजन साइन, फिर आप इसको लिख सकते हैं वन इंटू ए बाय वन, तो आंसर आता है ए। इस तरह से कोई भी नंबर अगर वन अपॉन वो नंबर होगा तो सीधा का सीधा पूरा चीज़ जो है न्यूमरेटर में चला जाता है, और यही है आपका एल एच एस, हेंस प्रूफ। यहाँ पर भी वही प्रूफ किया था आपने, साइन ए इंटू कॉस ए यानी कॉस ए इंटू साइन ए एक ही बात होता है, ए इंटू बी या बी इंटू ए, तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। दोनों इसमें दोनों आपको लेना पड़ेगा, एल एच एस और आर एच एस दोनों को सॉल्व करना है, और एक ऐसे एक्सप्रेशन पे लेके आना है जो दोनों के लिए सेम हो। नोट कर लीजिए पॉज करके, और फिर बढ़ेंगे आखिरी सम इस एक्सरसाइज का। चलिए बढ़ते हैं आखिरी सम इस एक्सरसाइज का, टेन सम, ठीक है। क्वेश्चन है वन प्लस टेन स्क्वायर ए, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको आपको प्रूव करना है इक्वल टू वन माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए। ये जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे दो इक्वल टू, यानी दो प्रूफ एक साथ में दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो यानी फाइनली आपको प्रूव करना है ये इक्वल टू ये और वो भी इक्वल है, तीनों सेम चीज़ है। देखते कैसे करेंगे हम लोग इसको। देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है देखते हैं। वन प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला आता है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला आता है sec स्क्वायर ए, और वन प्लस cot स्क्वायर ए का फॉर्मूला है cosec स्क्वायर ए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है ये दोनों। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका sec स्क्वायर ए, और यहाँ पर आ जाएगा आपका cosec स्क्वायर ए। और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, पार्ट वन कर रहा हूँ, अभी तीन पार्ट है, तीन पार्ट वाला समय है, ठीक है। अभी पार्ट वन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ गया। अभी sec स्क्वायर ए जो होता है वो होता है आपका वन अपॉन cos cos स्क्वायर ए, और cosec होता है वन अपॉन sin स्क्वायर ए। कैसे मिला मेरे को ये, sec तो होता है वन अपॉन cos, sec बहुत सारे आइडेंटिटीज लगने वाले इस सम में, cos क्या, sec क्या होता है वन अपॉन cos, तो sec स्क्वायर ए क्या हो जाएगा वन अपॉन cos स्क्वायर ए, ठीक है। तो फिर cosec क्या होता है, cosec होता है वन अपॉन साइन ए, तो फिर cosec स्क्वायर ए क्या होगा वन अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है, स्क्वायर है। अच्छा फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वन अपॉन cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय वन अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा वन अपॉन cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन वन, है ना। पहले हमने डिविजन साइन लगाया, फिर मल्टीप्लीकेशन लगाया, तो ये जो राइट वाला पार्ट है वो टोटली रेसिप्रोकल हो जाता है, टोटली रेसिप्रोकल यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, तो आपको मिल जाता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो कि होता है टेन स्क्वायर ए। ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि साइन अपॉन कॉस, क्योंकि साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस होता है टैन ए। काफी सारे इसमें अभी तक हमने सिर्फ एक ही पार्ट किया है, काफी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने यूज कर लिया है, ठीक है इस तरह से। अब हम बढ़ते हैं पार्ट टू पे। पार्ट थ्री तो देखिए, पार्ट वन और पार्ट टू अगर आपने दिखा दिया इक्वल टू पार्ट थ्री है, तो पार्ट थ्री का तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे पार्ट वन को पार्ट थ्री से जोड़ दिया है, दिखा दिया कि पार्ट वन जो है वो पार्ट थ्री है, ठीक है। अभी वाला देखते कैसे करेंगे। वन माइनस टैन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए द होल स्क्वायर है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, टैन ए को हम यहाँ पर एक तो हम एक ऐसा कर सकते हैं कि इसको एक्सपेंड कर दें, कैसे एक्सपेंड करेंगे, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, वैसा भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि टैन ए को हम साइन अपॉन कॉस लिखें और कॉट को कॉस अपॉन साइन करें और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वो भी चलेगा, या तो हम एक्सपेंड करके भी इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे एक्सपेंड करके वो देख लेते हैं। ए माइनस बी द होल स्क्वायर, वन माइनस टैन ए का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा, देखिए अभी देखिए इन दोनों का स्क्वायर करना है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो मैं पहले सिर्फ न्यूमरेटर कर रहा हूँ। ए माइनस बी द होल स्क्वायर फॉर्मेट में, फॉर्मूला क्या है ए माइनस बी द होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर, टू ए बी मतलब टू टैन ए, ठीक है ना, टू टैन ए, और बी स्क्वायर यानी टैन स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा टैन स्क्वायर। इस तरह से हम कर सकते हैं एक्सपेंशन, ठीक है, इस तरह से हमने एक्सपेंशन कर लिया। ये तो न्यूमरेटर का हो गया, अब डिनोमिनेटर को क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा चेंज, ये सिर्फ न्यूमरेटर का हुआ है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए, मैं डिनोमिनेटर को अलग से करने वाला हूँ, फिर डिवाइड कर दूंगा। कॉट जो है उसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन टेन, यानी कॉट तो रेसिप्रोकल होता है टेन का, और फिर स्क्वायर करेंगे हम लोग, ठीक है ना, इसको ऊपर लिख ऐसा करके फिर स्क्वायर करेंगे, यानी क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे टेन ए माइनस वन अपॉन टेन ए आ गया, ठीक है ना, टेन ए माइनस वन अपॉन टेन ए, कैसे आए ये, कैसे आए ये, वन अपॉन वन लिख लीजिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ऐसा आएगा, ऑब्वियसली इसका स्क्वायर तो करना है ही, ओके इस तरह से, ठीक है, फिर ये तो ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको एक्सपेंड करेंगे, ए माइनस बी द होल स्क्वायर इसका आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना, यानी ए स्क्वायर माइनस टू टैन ए इंटू वन यानी टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर, क्या हो रहा है एग्जैक्टली देखिए, टैन ए, टैन ए क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए कॉट ए जो था वन माइनस कॉट ए जो था उसके हमने क्या लिखा, वन माइनस वन अपॉन टैन, ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि कॉट ए क्या होता है वन अपॉन टैन, ठीक है ना, कॉटे क्या हो जाता है वन अपॉन टेन, तो अगर कॉटे वन अपॉन टेन होता है तो हमने वही लिखा, ये हम डिनोमिनेटर कर रहे हैं, देखिए ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, हम डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में क्या था वन माइनस कॉटे था, तो हमने क्या किया वन माइनस वन अपॉन टेन लिखा, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर करना था, ऑब्वियसली दोनों का स्क्वायर है, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर करना है, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर करना है, ठीक है, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, इसका भी स्क्वायर करना है और इसका भी स्क्वायर करना है, तो कॉट को हमने क्या लिख दिया है वन माइनस वन अपॉन टेन है, उसको स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। उसके पहले हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, टेन ए इंटू वन टेन ए आ गया, माइनस वन इंटू वन वन आ गया, टेन ए इंटू वन टेन ए आ गया। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, यानी ए ये है बी ये है, तो ए स्क्वायर ये आ गया माइनस टू टेन ए इंटू वन प्लस वन, और डिनोमिनेटर में अभी आपका स्क्वायर होगा तो यानी आ जाएगा टेन स्क्वायर है। इस तरह से आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक्सपेंड होके रेडी हो गया आपके पास, ये न्यूमरेटर का एक्सपेंशन है और ये डिनोमिनेटर का एक्सपेंशन है, दोनों को मैंने अलग अलग किया है, यानी कि इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लिया इस तरह से, इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लिया। अब ऑब्वियसली हम तो इसको अलग रख नहीं पाएंगे, इसको दोनों को साथ में कर लेते हैं, ठीक है, इसको दोनों को डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये पार्ट इरेज कर देता हूँ और हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर ये पार्ट था,
क्या आया आपको, 1 माइनस 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan² है, सॉरी 1 प्लस tan² है, और डिनोमिनेटर में क्या आया, टैन स्क्वायर ए माइनस 2 tan a प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर है, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब अगर इसको और इसको ध्यान से देखें तो एग्जैक्टली सेम है, मैं इसको अरेंज करके लिख के बताता हूँ, ये आपका ऐसा है, इसको हम थोड़ा अरेंज करेंगे और ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, कैसे होगा पूरा देख लेते स्टेप, 1 माइनस 2 tan a प्लस 10 स्क्वायर है, ये लिख दिया मैंने, ये वाला 1 पहले लिखा मैंने, प्लस 1 है तो पहले लिखा, फिर 2 tan a और ये पार्ट मैंने बाद में लिखा 10 स्क्वायर है, एग्जैक्टली सेम आया, डिवाइडेड था तो जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड नीचे रहता है वो एग्जैक्टली ऊपर चला जाता है, ये सारे मैंने इस वीडियो में काफ़ी बार ये बताया है कैसे ऊपर चला जाता है, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाता है तो आपका आ जाता है 10 स्क्वायर है, जो कि आपका थर्ड पार्ट है। तो इस तरह से मैंने सेकेंड पार्ट को भी बता दिया, यानी सेकेंड पार्ट को भी बता दिया कि इक्वल टू थर्ड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट को, सेकेंड पार्ट भी हमने बता दिया कि इक्वल टू थर्ड पार्ट है, तो 1, 2 और 3 एग्जैक्टली सेम है, तो इससे प्रूव हो गया कि तीनों पार्ट जो है इज इक्वल टू 10 स्क्वायर है, ठीक है, नोट कर लीजिए, और इसी तरह हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, कुछ RD शर्मा से भी हम सॉल्व करेंगे, और करते रहिए और पढ़ते रहिए पैशनेटली, थैंक यू सो मच।